सबसे पहले आप सभी प्यारे बच्चों को अपनी प्यारी टीचर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप? बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी की गिनतियाँ। जिस प्रकार से हम इंग्लिश में गिनतियाँ काउंटिंग करते हैं, उसी प्रकार से हिंदी में भी गिनतियाँ लिखी जाती है और बोली जाती है। आज हम वही सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। परंतु उससे पहले, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है टीचिंग एंड लर्निंग हब, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये है मेरा इंस्टा आईडी suman.thakur। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और सीखते हैं हिंदी की गिनतियाँ। तो सबसे पहले आता है वन, O-N-E, वन। वन को हिंदी में कहते हैं एक, और इस तरीके से ये एक लिखा जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है टू। टू को हिंदी में कहते हैं दो। दो को इस तरीके से बनाया जाता है। नेक्स्ट है थ्री। थ्री को हिंदी में कहते हैं तीन, और इस तरीके से तीन बनाया जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है फोर। फोर को हिंदी में कहते हैं चार, और चार को ऐसे हम हिंदी में बनाते हैं। नेक्स्ट है फाइव। फाइव को हिंदी में कहते हैं पांच, और पांच को इस तरीके से हिंदी में बनाया जाता है। नेक्स्ट है छः। छः को हिंदी में कहा जाता है सिक्स। सिक्स को हिंदी में कहा जाता है छः, और इस तरीके से हम छः बनाते हैं हिंदी में। नेक्स्ट है सेवन। सेवन को हिंदी में कहते हैं सात, और सात को इस तरीके से हम बनाते हैं। नेक्स्ट है एट। एट को हिंदी में कहते हैं आठ, और आठ को कैसे बनाया जाता है? ऐसे। नेक्स्ट है नाइन। नाइन को हिंदी में कहते हैं नौ, और नाइन ओ को कैसे बनाया जाता है? इस प्रकार से नौ को बनाया जाता है। नेक्स्ट है टेन। टेन को हिंदी में कहते हैं दस। दस को कैसे लिखा जाता है? ऐसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है इलेवन। इलेवन को कहते हैं ग्यारह। ग्यारह को कैसे बनाया जाता है? ऐसे बनाया जाता है। नेक्स्ट है ट्वेल्व। 12 को लिखा जाता है 12, और 12 कैसे लिखा जाता है? ऐसे। नेक्स्ट है 13। 13 को कैसे लिखा जाता है? ऐसे, और 13 को कहते हैं हिंदी में 13। नेक्स्ट है 14। 14 को हिंदी में कैसे लिखते हैं? ऐसे, और कैसे बोला जाता है? 14, 14। नेक्स्ट इज 15। 15 को हिंदी में कहते हैं 15, 15, और कैसे लिखा जाता है? ऐसे। नेक्स्ट है 16। 16 को कहते हैं 16, 16, और ऐसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है 17। तो कैसे लिखा जाता है? ऐसे लिखा जाता है, और कैसे क्या कैसे कहते हैं इसे? 17। नेक्स्ट है 18। 18 को हिंदी में कहते हैं 18, और कैसे लिखा जाएगा? ऐसे। नेक्स्ट है 19। 19 को हिंदी में कहते हैं 19, और इस तरीके से इसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है 20, और 20 को हिंदी में कहते हैं 20, और इसे ऐसा लिखा जाता है। तो चलिए बच्चों, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हिंदी की गिनतियाँ वन बाय वन। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, 19, 20। तो दोस्तों, ये थी हमारी हिंदी की गिनतियाँ। उम्मीद करती हूँ आपको गिनतियाँ समझ में आई होगी और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। मिलेंगे प्यारे बच्चों मेरे कुछ नए अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए
आप घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद।